जिला उपाध्यक्ष को मिल रही हैं बधाइयां। खबर संत कबीर नगर से, जहां समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता श्यामजी विश्वकर्मा को जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात की जानकारी होते ही समाजवादी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष रामा यादव ने श्यामजी विश्वकर्मा के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी सम्मान करती है। श्यामजी विश्वकर्मा को जिम्मेदारी मिलने से पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। अपने नेता माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नौजवानों की दिलों के धड़कन हैं, गरीबों किसानों मजदूरों नौजवानों के नेता हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश पटेल जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आशा विश्वास रखकर के हमारे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी जनता संत कन्वीनर का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इससे मुझे और समाजवादी पार्टी से के छोटे छोटे कार्यकर्ता जो सरसिया है, विश्वकर्मा है, नाई है, प्रजापति हैं, राजभर हैं, पाल हैं, कुशवाहा हैं, निषाद हैं, जो छोटे छोटे जातियों के लोग पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं, उनको एक आशा और विश्वास हुआ है कि जो पार्टी के लिए संघर्ष करेगा, अनवरत दिन रात मेहनत करेगा, निष्ठा और लगन से काम करेगा, पार्टी उसको सम्मान देगी। देखिए, ये हमारे जनपद के बहुत बड़े नेता और पार्टी वैसे तो हमेशा इनको जिम्मेदारी देती रहती है, लेकिन पार्टी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है, उसका सम्मान समाजवादी पार्टी जरूर करती है। इनको आज जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनको जिला उपाध्यक्ष बनाने से समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है कि जो भी संघर्ष करेगा उसको समाजवादी पार्टी हमेशा सम्मान देने का काम करेगी। आपको आने से, जिला उपाध्यक्ष का पद मिलने से हमारे दल के जितने छोटे बड़े नेता हैं सब लोगों में इतनी खुशी है, लोगों ने बधाइयाँ दी, मिठाई खिलाए। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये संघर्ष की देन है कि आज इतने बड़े पद पे हमारे जनपद पे इनको सम्मान दिया गया। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ।